नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं लेके आया हूँ बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा सुझाए गए जो सुझाव है वो मेरे लिए कारगर साबित हो रहे हैं। क्योंकि कई बार मैं भी ये सोचता हूँ कि भाई किस विषय पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप लोग जो कमेंट में और जो कॉल करके मुझे इसके बारे में बताते हैं कि आप इस विषय पर वीडियो बनाइए इस पे, तो मुझे नए नए आइडियाज़ मिलते रहते हैं। उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही आप पे अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए और मुझे बताते रहिए कि भाई क्या किस विषय पर वीडियो आप बना के मैं इसमें डालूँ, ताकि जो दिव्यांग साथी हैं उनका मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकूँ। तो चलिए, आज इसी मुद्दे को लेकर मैं आज एक और वीडियो, एक भाई ने रिक्वेस्ट की है और उन्होंने बताया मुझे कि भी मेरे साथ ये काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो प्लीज़ आप एक इस पर वीडियो ज़रूर बना के डालिए। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि नोटिफिकेशन की घंटी के द्वारा आपको पता लग सके कि हाँ, अब मैं किस विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं उस मुद्दे पर बात करता हूँ जिस पर मैं इस वीडियो का एक आधार है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा अपने जो ब्रेक और जो ब्रेक लीवर और जो डिस्क ब्रेक, इनकी वायरिंग कैसे करें, इनको कैसे सेट करें। आज मैं दिखाता हूँ कि भाई किस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं और इसके तार किधर किधर से होके गुजरेंगे, और किस प्रकार से आप इसको बिल्कुल आराम से घर बैठे भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी मैं दिखाता हूँ। अब मेरे पास गाड़ी है, ये देखिए, ये ब्रेक हमारा, ये हमारा आगे वाला ब्रेक है, ये एक जो हमारा जिसको हम चाबी बोलते हैं उससे खोल के इसको आसानी से इसमें, ये इसमें बिल्कुल सेट होता है, और इसके अंदर डाल के ये ऐसे घूमता हुआ बिल्कुल हमारा यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ लगेगा। इसमें कोई हमें ऐसा कुछ नहीं करना, ये कहीं अटैच भी नहीं है, ये देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है ये, अगर ये ब्रेक आपका दबाया रह गया ऐसे, तो आपकी गाड़ी भी काम नहीं करेगी, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों, क्योंकि ये ब्रेक और मोटर के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण कनेक्शन होता है ब्रेक का। इसको अगर यहाँ से बिल्कुल हल्का सा भी ढीला होगा तो ये काम नहीं करेगा। ये ब्रेक दोनों प्रकार से काम करता है, एक हमारी जो बैटरी की जो गति है उसको भी रोकता है जो हमारी गाड़ी की है, दूसरा ये हमारा जो मोटर की जो कनेक्शन है अगर इसको हम दबा देंगे तो ये वो भी काट देता है। और ये ब्रेक यहाँ से गुजरता हुआ हमारा इसके अंदर से, ये देखिए, बिल्कुल इसके अंदर से इस वायरिंग से गुजरता हुआ यहाँ पे आएगा और ये इधर सेट होगा। ये यहाँ पे सेट होगा, और जब ये सेट होगा तो आप आसानी से इसको यहाँ पे, इसके जो ये क्लिप होती है ये खुल भी जाती है, ये देखिए दोस्तों, और ये बंद भी ऐसे ही हो जाती है। ये जो क्लिप होती है ये खुल भी जाती है और ये आसानी से बंद भी हो जाती है। इसका बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल छोटा सा काम होता है, लेकिन कई बार जब हम कोई काम नहीं करते हैं तो ये हमें काफ़ी भारी और काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। तो ये दो जो हमारे ब्रेक लीवर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, नहीं वो जो डिस्क ब्रेक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ये काम करते हैं और कैसे इनको हम केयर कर सकते हैं। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये कहीं से कटे फटे या फिर ऐसे ना हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चीज़ है जो करंट पास होने का डर रहता है।
अगर आपका ऐसा कोई चीज़ कट जाती है तो प्लीज़ उस पर जरूर टेप लगा लें। तो चलिए दोस्तों, आगे फिर किसी वीडियो पे फिर बात करेंगे, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 999-12-9-36-74। और दोस्तों, जो 23 और 24 का जो कैंप पे यहाँ पे होना था उसको थोड़ा डिले कर दिया गया है, अब वो 3 और 4 मार्च को 2023 में होगा, मार्च 2023 3 और 4 को, क्योंकि डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पाई तो इसलिए इसको थोड़ा डिले करना पड़ा। और जिस दिव्यांग साथियों ने किसी भी सामान की आवश्यकता है तो वो प्लीज़ 3-4 तारीख को यहाँ पे गांव पिपली खेड़ा सेंटर पे ज़रूर आए, पूरे हरियाणा में से आ सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो वो ज़रूर मेरे नंबर पे कॉल करें। और तो चलिए दोस्तों, आगे फिर किसी वीडियो में, और आप अपनी समस्या कमेंट में ज़रूर बताते रहें। किसी भी सामान को आपको आवश्यकता है पूरे भारत में तो आप ऑनलाइन मुझसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, कोरियर का खर्चा आपका रहेगा, जो कंपनी का जो डिसाइड रेट होगा उसके हिसाब से आपको वो सामान आपके घर पे मिलेगा कोरियर के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आगे फिर जय भारत।